डम्पशराट्स खेलते हैं। ये डम्पशराट्स क्या होता है? इसके दो ग्रुप होते हैं। एक आदमी इशारे से कोई चीज या फिल्म का नाम अपने ग्रुप को समझाता है और उनको बताना होता है कि वो क्या बताना चाहता है। मुझे डम्पशराट्स बहुत अच्छा गेम लगता है, बहुत मजा आता है। चोर, चोर, पकड़ो! अरे कोई पकड़ो! दी, वो देखो, चोर, मम्मी का पर्स लेकर भाग रहा है। ए, रुक जाओ, ए! मैं सपना देख रहा हूँ। ये बच्चा इतनी तेजी से साइकिल कैसे चला सकता है? बच्चा, बचाओ! हे बच्चे, मुझे छोड़ना मत, प्लीज बचा लो, बचा लो। ठीक है, जाओ, आज के बाद फिर चोरी मत करना वरना पुलिस को दे दूंगा। ये तो बता दो तुम हो कौन? अच्छाई का दोस्त, बुराई का दुश्मन। नाम है वीर, वीर द रोबोबॉय। थैंक यू वीर, तुमने पर्स कैसे छीन लिया उससे? छीना नहीं आंटी, उसके हाथ से गिर गया और मैं लेकर आ गया। गुड बॉय वीर, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बाय बच्चों। बाय। चिंटू कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, लेकिन अभी बुलाता हूँ। तक दिना दिन दिन, तक दिना दिन दिन, कौन सा काम अधूरा है बोलो मेरे बिन। अपने नाना से मिले हुए सोचो हो गए कितने दिन। नाना जी आप कब आए? चिंटू जिन, जेल से लेडी जिन भाग गई है। तुम्हें याद होगा जब वो जिन पुलिस से छुप के भाग रही थी तो तुमने ही उसे देख के पुलिस को खबर की थी और उसे जेल हो गई थी। हाँ नाना जी, मुझे याद है। जिन पुलिस उसे ढूंढ रही थी और वो भागती हुई आई और एक कुएं में छुप गई थी। मैं वहाँ खेल रहा था, मैंने उसे छुपती देख के जिन पुलिस को बुला लिया था। जब पुलिस उसे पकड़ के ले जा रही थी तब वो चीख चीख के कह रही थी, चिंटू मैं वापस आऊंगी और तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन लूंगी, मैं बदला लूंगी चिंटू, मैं बदला लूंगी। लेकिन चिंटू वो जेल से भाग चुकी है। वापस करो वरना बहुत बुरा होगा। बहुत हो गया, अब तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि डोंकी पावर में कितना असर है। वाह, देखा चिंटू, ऐसे लड़ते हैं, डरने से कोई काम नहीं बनता। अगर चुलबुल लड़ सकता है तो तुम तो जिन हो। चुलबुल तुम बहुत बहादुर हो, अब मैं लड़ूंगा। तुम अगड़म बगड़म, इकड़म तिकड़म, आलम फालम, धम धमादम बोल के अपने बदन के सामने हाथ से पावर खींचने की कोशिश करो। मेरी पावर्स का मैजिकल बॉल निकल के तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, फिर मैं उसे ले लूंगा। पहले यहाँ से घर चलते हैं, फिर ये सब करेंगे। फिर तुम लोग कहाँ थे? दादाजी वो लेडी जिन आ गई है और चिंटू के पीछे पड़ी है, उसे चिंटू की पावर्स चाहिए। वाह, ये है जिंदगी, जब चाहो गाजर खाओ, जैसे चाहो गाजर खाओ, लाल हरी नीली पीली मल्टी कलर गाजर खाओ। चुलबुल बस करो ये शो ऑफ। और हाँ एक बात सुनो, वो फिर से भेस बदल के आ सकती है, अगर किसी को किसी पे शक हो तो उसके सामने मत बोलना। हम लोग डम्पशराट्स में बात करेंगे ताकि उसे पता नहीं चले कि हमें उस पे शक हो गया है। मुझे डम्पशराट्स खेलना नहीं आता, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। ये सब चुलबुल कैसे कर रहा है? तुम दादाजी को सब बताओ, मैं बाहर देख के आता हूँ,
वो फिर से तो नहीं आ गई? रास्ते में मत आओ, चलो हटो। तुम्हें भारी पड़ेगा दोस्त। अरे हेल्प, बचाओ, कोई बचाओ। अरे ये कहां से आ गया? ओए बंटी के पापा, कुछ करो जी, बचाओ। चुलबुल ये सब ठीक करो, तुम भी जिंटू की तरह बिहेव कर रहे हो। जल्दी सब ठीक करो और अपनी पावर्स जिंटू को वापस करो। तो मेरे अंदर से पावर्स निकाल के वापस जिंटू को दिलवाना चाह रहे हो ताकि तुम उसे वापस ले सको। लेकिन मैं उल्लू बनने वाला नहीं, लेडी जिन। बाय बाय। चलो आज हम लोग सब हाइड एंड सीक खेलते हैं। मैं भी खेलूंगा, नहीं तो खेल बिगाड़ दूंगा। नहीं, तुम हमारे साथ नहीं खेलोगे। नहीं खेलने दोगे तो तुम जहाँ भी छुपोगे मैं सबको बता दूंगा। ओके बंटी, आओ तुम भी खेलो। चलो तुम सबसे पहले गिनती गिनो, हम छुपते हैं। ओके, देखना एक मिनट में तुम सबको ढूंढ लूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फालम इकड़म तिकड़म तम तमादम। शायद मैं कोई सपना देख रहा था। बाय बाय बेटा। बाय पापा। बाय। पापा। चलो चलो अब तुम गिनती गिनो, चलो। तुम अलग छुपो, मैं ऐसी जगह छुपूंगा कि कोई नहीं ढूंढ पाएगा। मैं तो इस खेल में एक्सपर्ट हूँ। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे छुपोगे और कहाँ छुपोगे। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। क्या कर रहा हूँ? इस सूट से तुम बिजली की स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। इसका नाम है लाइटनिंग सूट। तुम वीर को चारों तरफ से लेजर से मारना और तुम्हारी स्पीड की वजह से वीर तुम्हें देख नहीं पाएगा और वो खत्म हो जाएगा। जीनियस बॉस। She's right, बॉस। मैं ट्रायल ले लूं। ये काम कैसे कर? ये काम करता है बॉस। You are genius, बॉस। मुझे पता चल गया। अब बस करो। इसको खत्म करना है। मुझे Boy, suit on. Hmm.
जाएगा कि वीर ही रोबो बॉय। हर बच्चे के अंदर रोबो बॉय होता है ना जिंटू? अगर तुम अच्छाई के दोस्त बनो और बुराई के दुश्मन, तो तुम भी रोबो बॉय बन सकते हो। क्या सच? तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। हम सच कह रहे हैं बंटी। ओके, आज से मैं अच्छाई का दोस्त हूँ और बुराई का दुश्मन। मैं तो रोबो बॉय बना ही नहीं, मेरी रोबो बॉय वाली ड्रेस कहाँ है? वो तुम अभी खड़े हो ना? तुमने फिल्मों में देखा होगा कि जब कोई भी सुपर हीरो भागता है तो भागते हुए उसकी ड्रेस चेंज हो जाती है। ओके, अभी मैं भागना शुरू करता हूँ। अगर मेरी ड्रेस चेंज नहीं हुई तो देखना तुम लोगों को मैं अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमा दम। बंटी, इन पौधों को बड़ी मुश्किल से लगा के बड़ा किया जाता है और तुम इन्हें तोड़ रहे हो। इनमें भी जान होती है, दोबारा इन्हें कुचला तो प्रिंसिपल सर से शिकायत कर दूंगा। मैं कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या? हाँ? फिर कुचलेगा हमें, बोल बोल, फिर कुचलेगा हमें। वीर, सर ने हमें ड्रामा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को बुलाया है। हम इस ड्रामा में पूरी जी जान लगा देंगे। हे इंसान, मत कर तू अभिमान, मत काट इस जंगल को, इन पेड़ों में भी है जान। वाह वाह वीर, तुम कितना अच्छा डायलॉग्स बोलते हो। इस ड्रामे का हीरो तो तुम्हें ही बन। हाँ? सॉरी इमली, ड्रामे का हीरो तो बंटी होगा। He looks like a hero. और इस प्ले के हीरो का नाम भी हीरो है। सब एनिमल्स उसे हीरो कहते हैं। थैंक यू सर। वीर एक पेड़ बनके स्टेज पे खड़ा रहेगा। इसे पेड़ों से बहुत प्यार है सर, आपने इसे अच्छा रोल दिया है। इमली, तुम हिरनी का रोल करोगी, कैकी शेर का रोल करेगा और फैकी एनाकोंडा बनेगा। वीर अपने दोस्त जिंटू और चुलबुल को भी ला सकता है। चुलबुल के आने से एक रियल एनिमल का फील भी आ जाएगा। बाकी सब एनिमल्स के कॉस्ट्यूम पहनेंगे। जिंटू को गोरिल्ला का रोल दे सकते हैं, उसका बदन उस रोल के लिए परफेक्ट है। थैंक यू सर। डाचू डाचू डाचू। वीर, बंटी को बने रहने दो ड्रामे का हीरो, मेरे हीरो तो तुम हो। बंटी, चलो ये वाला डायलॉग बोल के सुनो। ऐ मूर्ख इंसान, छोड़ो अपना अभिमान, मत काट ये जंगल, इन पेड़ों में भी है जान। हे अभिमान, छोड़ अपना इंसान। अरे सॉरी सॉरी, हे मूर्ख अभिमान, इसमें भी है जानवर और इंसान। बंटी क्या बोल रहे हो तुम, एक छोटा सा डायलॉग भी नहीं याद रहता। ये डायलॉग तो वीर ही अच्छे से बोल सकता है। बोल के दिखाओ, इतना आसान भी नहीं है। ए मूर्ख इंसान, छोड़ अपना अभिमान, मत काटिए जंगल, इन पेड़ों में भी है जान। सर, मुझे पूरी स्क्रिप्ट याद है,